करनाल मार्ग पर जनेसरो गांव के नजदीक आज सुबह एक स्कूल बस दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा स्कूल बस और ट्राले के आमने सामने की भिड़ंत से हुआ। हादसे में दो बच्चों की मौत हो गई और कई बच्चे घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया। हादसा तब हुआ जब बस बच्चों को स्कूल ले जा रही थी कि तभी अचानक सामने से आ रहे ट्राले के साथ बस की टक्कर हो गई। हादसे की एक वजह कोहरा भी माना जा रहा है। बता दें, जहां हादसा हुआ वो एक सिंगल रोड है और कोहरे की वजह से कुछ साफ ना दिखाई देने की वजह से ये हादसा हुआ। वहीं इस हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। दुर्घटना की खबर मिलते ही दर्जनों ग्रामीण मौके पर पहुंचे। गुस्साए लोगों ने ट्रक में जमकर तोड़फोड़ की और ट्रक को आग के हवाले कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को शांत किया। हादसे का शिकार हुए दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार जिस स्कूल बस के साथ ये दर्दनाक हादसा हुआ वो इंद्री के सेंट सिमरन स्कूल की बस थी। आज सुबह करीब 7:30-8 बजे के बीच गांव जनेश्वर के पास एक स्कूल बस का और ट्राले के साथ एक्सीडेंट हो गया, जिसमें दो बच्चे, जो अभी तक हमें पता लग गया है प्राथमिक सूचना से, दो बच्चे एक्सपायर हो गए हैं और करीब 10-11 बच्चे घायल है। तो पुलिस मौके पर पहुंच गई है, सारी कार्रवाई की जा रही है। गाड़ियां गुड़ियां रोड से हटा रहे हैं, जो भी जायज कार्रवाई बताएंगे वो करेंगे। कुछ वाहनों को ओवरलोड वाहनों को बचे थे? हाँ, कुछ लोग वहाँ गांव के लोग इकट्ठे हो गए थे और ओवरलोड के बारे में शिकायत कर रहे थे। तो आग किस तरह लगी है, अपने आप लगी है या किसी ने लगाई है, इस बारे में भी हम जाँच कर रहे हैं। जैसे भी होगा उसमें मुनासिब कार्रवाई। हाँ, उसके बारे में भी जाँच कर रहे हैं। अभी इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन करेंगे उसके बारे में भी जाँच। अभी रोड वो मिल गया, वो बच्चा जो गुम था वो, उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही थी, वो बच्चा मिल गया। कहाँ से मिला सर? वो हॉस्पिटल में ही एडमिट है। तो दो डेथ हो गई थी? हाँ, तो अभी तक तो जो सूचना हमारे पास है उसमें दो बच्चे नहीं पता जी। हम तो जवान चले जाए कोई सामान लेने के लिए, ये रोड पर जाते हैं, साइकिल भी चलाने देते हैं। जैसे मोटरसाइकिल पर आप पीछे आप के लिए भी जाकर और कुछ तो आप मोटर और जरा पैर जगह एकदम काटते हैं, बोर्ड काटते हैं ओवरलोड की वजह से। ओवरलोड की वजह से यूपी गाड़ी आती है। ब्यूरो रिपोर्ट प्रथम तहलका।